तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो, गॉड, परमात्मा, जेहोवा, अल्लाह, शिव, शंताई, तुमने चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और मूर्तियां बनाई। मेरे नाम पर कितने युद्ध किए तथा मुझ पर कितनी बलियां चढ़ाई। तुमने मुझे कण कण में कह सर्वव्यापी बना दिया। जब संकट और दुख की घड़ी आती है तो तुम मुझे याद करते हो और सुख के दिनों में भूल जाते हो। तुमने जन्म जन्मांतर देव रूप में मेरी पूजा की, फिर भी मुझे जानते नहीं। गुरु गोसाई लोगों ने मानव मात्र को मेरी राह दिखाने की कोशिश की, परंतु किसी को मैं प्राप्त नहीं हुआ। मैं ही तुम्हारी माता और मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मैं ही हूं जिससे तुम सारे संबंध जोड़ सकते हो। तुम्हारी तरह न तो मेरा जन्म ही होता है और न ही तुम्हारी तरह मैं कभी मरता हूं। मैं एक ज्योति हूं, मेरा स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु के समान है जिसे स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। तुम सब भी मेरी तरह ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो। मेरा धाम शांति धाम है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। एक समय तुम सब भी उसी सुनहरी दुनिया में मेरे साथ निवास करते थे, फिर वहां से आकर इस स्थूल दुनिया में शरीर धारण किया। तत्पश्चात तुम्हारी जीवन कहानी प्रारंभ हुई। समय के बीतने के साथ साथ तुम मुझे और अपने घर को भूल गए। मैं पुनः आया हूं तुम्हें समय के महत्व और रहस्य को बतलाने के लिए। मैं पुनः अवतरित हुआ हूं तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाने के लिए जिसे तुम भूल चुके हो। मैं पुनः आया हूं तुम्हें प्रेम, शांति और शक्ति से भरपूर करने। याद करो, याद। Like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.